कोटा में हर रोज सैकड़ों लोगों का खाना तैयार हो रहा है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका कर रहे हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका ने बताया कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर करीब एक महीने से जरूरतमंद लोगों को खाना वितरित किया जा रहा है। कोई गरीब व्यक्ति भूखा ना सोए, इसके लिए सभी जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है। आज अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 161 कोरोना पॉजिटिव कोटा क्षेत्र में मिल चुके हैं। सामने की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से नदी पार का क्षेत्र है। नदी पार क्षेत्र में लगातार चेकिंग जारी है और लगातार जो वाहन आ रहे हैं और जा रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मगर नदी पार क्षेत्र एक ऐसा इलाका है जहाँ पर हर समय कुछ न कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से और यहाँ के जो नेता हैं उनकी तरफ से की जा रही है। लगातार नदी पार क्षेत्र की बात की जाए तो नदी पार क्षेत्र में गरीब तबके के लोग रहते हैं और गरीब तबके के लोगों को खाना पहुंचाना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लगातार जिस तरह से प्रदेश में सब जगह लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है तो कहीं ना कहीं गरीबों को राहत पहुँचाने के लिए भी लोग जुटे हुए हैं। सामने आप एक तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर किस तरह से उन गरीब लोगों के लिए खाद्य सामग्री यहाँ पर रखवाई गई है और लगातार आज 33वां दिन है जहाँ पर लगातार गरीब लोगों और असहाय लोगों को यहाँ पर खाना मुहैया करवाया जा रहा है। सामने की तस्वीरें देखेंगे जिसमें आपको यहाँ पर उन आश्रित लोगों के लिए सब्जी और पूरी की जो व्यवस्था है वो लगातार जारी है। इन तस्वीरों से साफ तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं बाशिंदे हैं उनको इस कोरोना संक्रमण के बाद राहत पहुँचाने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। हमारे साथ कोटा नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष हैं अनिल सुवालका वो यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी, किस तरह की व्यवस्था की जा रही है और कितने दिन से जा रही है? जी देखिए, लॉकडाउन के बाद 26 मार्च को हमारे माननीय मंत्री महोदय शांति धारीवाल साहब के निर्देश हमें मिले कि हमारे क्षेत्र में जो है भूखे और असहाय जो लॉकडाउन के बाद जो लोग हैं उनको भोजन की व्यवस्था की जाए। तो 33 दिन से आज लगातार 33वां दिन है और लगभग 1500 से 1800 लोगों की व्यवस्था भोजन की रोज हमारे द्वारा की जा रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता तन मन से जुटे हैं धारीवाल साहब के आह्वान पर, अपने अपने जन सहयोग से जो है यहाँ पर भोजन शाला चल रही है। 33वें दिन अनवरत चल रही है, 3 मई तक लॉकडाउन है, उसके बाद भी धारीवाल साहब को निर्देश होंगे तो उसको आगे चलाया जाएगा। 100 कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीम पूरे 5 वार्डों के अंदर जो है अलग अलग चिन्हित जो स्थान है जहां पर जो भोजन को से वंचित जो लोग हैं उन तक भोजन पहुंचा रहे हैं। और इसी प्रकार से इतना बड़ा जो है भोजनशाला रोज यहाँ पर जो चलती है यहीं पर ही जो है हमारे द्वारा पूर्ण रूप से जो सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इस भोजन को बंटवाते हैं, भोजन को बनवाते हैं, पैकिंग करवाते हैं और गरीब और असहाय लोगों की मदद के लिए धारीवाल साहब के जो निर्देश हैं वो लगातार अनवरत जारी हैं और कोशिश करेंगे कि इस वैश्विक महामारी के चलते जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत हमारे द्वारा पहुँचाई जाए। ये थे हमारे साथ कोटा नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका। साफ तौर पर कहना था कि नदी पार क्षेत्र में गरीब और असहाय लोग रहते हैं मगर वैश्विक महामारी के चलते कहीं ना कहीं लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी। यूडीएस मंत्री शांति धारीवाल यहाँ से विधानसभा पहुंचे थे और यहाँ से ही मंत्री बने थे। उनके आदेश के अनुसार कांग्रेस कार्यकर्ता दिन रात जुटे हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा के जज्बे को एवन टीवी भी सलाम करता है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेंद्र भारद्वाज एवन के लिए कोटा।